और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लुधियाना से, जहां पर एक एएसआई ने एक घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। जमालपुर थाने में तैनात है आरोपी एएसआई सुखपाल सिंह। गोली लगने के बाद पीड़िता को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला के पति का दोस्त था आरोपी एएसआई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो लुधियाना से सामने आ रही है। पिछले 5-7 साल तो घर आ जा रहे हैं, तो वो आज दिन आया, मैं घर नहीं आई, मैं ऑफिस गया, तो पिछले इन्हों की कोई बहस हुई होनी तो उन्हें फायर करता। मेरे बेटियां इन्हें डरा था कि नहीं बताना। शाम को मेरी बेटी का फ़ोन आया 7:45 बजे कि आप फोर्टिस आ जाओ, मम्मी ठीक नहीं है। मैं क्या हुआ, कहते हैं मां थोड़ी प्रॉब्लम है, आप फोर्टिस आ जाओ सीधे। मेरी मांग है कि उसको जेल होनी चाहिए जिनने गोली चलाई है, और सर्विस का भी उसको डिसॉल्व होनी चाहिए, सर्विस से भी उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। अंकल बाहर बैठे थे, वर्दी में अंकल थे और बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे, वेड़े में बैठे थे ये लोग बाहर बैठे। इनकी कोई आपस में बहस हुई, इन्होंने ना गोली चला दी, पहली फ्री गई, दूसरी लग गई उनके पेट में। पहले हमें धमका दिया था कि जब तुमने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला ना तो हम तेरे मम्मी पापा को अंदर करा देंगे। मम्मा को भी यहाँ पे जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी हॉल में रखा तो इन्होंने मम्मा को भी बोल दिया कि नहीं तो हम आपकी दोनों बेटियों को भी मार देंगे जब तूने मेरे अगेंस्ट कोई बोला तो। हाँ जी, ऑन ड्यूटी थे